सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही दबाए बेल आइकॉन ताकि हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहे। आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे लेटर में लिखा था कि बाबा ने उन्हें रात अपनी गुफा में बुलाया था। करीब 100 एकड़ में फैले गुरमीत राम रहीम के आश्रम के लगभग बीचों बीच कांच और दीवारों से बना एक भवन है जिसे बाबा की गुफा कहा जाता है। गुफा में जाने के लिए 2-3 और दरवाजे हैं जहाँ तक बाबा की गाड़ी सीधे जाती है। गुफा तक के रास्ते में हर जगह सादे कपड़ों में या फिर बकायदा कमांडो शैली में बंदूक लिए लोग तैनात मिलते हैं। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद बाबा की गुफा में पहुंचा जाता है। बाबा की गुफा की शान ही निराली है। शानदार सोफा और चमकदार पर्दों वाले हॉल है। पहली बार पता चला कि बाबा की 209 शिष्याएं खास तौर पर चुनी जाती हैं। इन शिष्याओं में से कुछ को ही इस गुफा में आने का अधिकार है। गुफा में जाने के लिए बाकायदा पहचान और बायोमेट्रिक सिस्टम है, तभी दरवाजे खुलते हैं। ये शिष्याएं किसी साध्वी की तरह खास केरुआ या सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अक्सर बाल खुले रखती हैं। इसके अलावा ये शिष्याएं बाबा को खाना खिलाने, मुलाकात करवाने, सुबह शाम स्टेज तक लाने का काम करती हैं। बाबा के प्रवचन में भी बाईं तरफ इनके लिए एक खास जगह बनी होती है। प्रवचन वाले हॉल में यही सब कुछ संभालती है और बाहरी हिस्से में दूसरे पुरुष कार सेवक काम करते हैं। बाबा की इस गुफा में बाबा के लिए अलग से तैयार होने की जगह और खास लोगों से मिलने का कमरा भी है। यहीं से बाबा के पास कई देशों में सीधे बात करने के लिए हॉटलाइन भी है। इस पूरी गुफा में ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है, झाड़फानूस से लेकर शानदार बाथरूम तक। इसके अलावा जिस गोल स्टेज में बाबा प्रवचन देते हैं उसके नीचे पहिए लगे होते हैं और ऊपर एक हैंडल जिससे मंच आगे और पीछे जाता है। बाबा भी उसी पर बैठकर सीधे एक चक्कर लगाते और वापस आ जाते। बाबा के कपड़े भी खास डिजाइनर से चंडीगढ़ से बनकर आते हैं, चमकदार और शिफॉन से बने। बाबा राम रहीम के गुफा में एक एनआरआई गेस्ट हाउस भी है जहां पर शानदार सुइट्स ही नहीं स्विमिंग पूल और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी था, बिल्कुल मुंबई के एम्बेसडर होटल की तरह। इसके अलावा आश्रम में खुद के 2 पेट्रोल पंप हैं। आश्रम की गाड़ियों को पर्ची पर सीधे पेट्रोल मिलता है। आश्रम में सब कुछ उगता है, दाल चावल से लेकर आलू टमाटर तक। आश्रम में ही कई लोग शर्ट पैंट और बाकी कपड़े सिलते हैं तो एक जगह पर मसाले भी बनते हैं, यानी सब कुछ आश्रम में ही मिल जाता है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। बाबा के आश्रम में अंदर घूमने के लिए बैटरी वाली कार भी है जिससे बाबा आश्रम में घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, आश्रम में एक विशाल वॉशिंग मशीन मौजूद है, किसी बड़े कुएं की तरह, जिसमें एक बार में 10 सेकंड 15,000 तक कपड़े धुल सकते हैं। इसे खास तौर पर बनवाया गया है। आश्रम में CCTV तो था ही, इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी है जहां देश के तब के सारे चैनलों की मॉनिटरिंग और बाबा से संबंधित खबरों को रिकॉर्ड करने का सिस्टम भी है।